भाग्यवान है वो बाप जिसके घर इस कन्या ने जन्म लिया। पद्मा बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं बापू, कुछ नहीं। जो सारे गांव से ना हो सका वो तुम्हारी पद्मा ने कर दिखाया। अगर पद्मा ना आती तो बच्चा रौंदा जाता, कुचला जाता। मेरी बेटी। बाबा, कुछ सुना तुमने? सुना मेरी बेटी ने क्या किया? मुझे सब मालूम है जो हो रहा है और जो होने वाला है। तुम्हारी बेटी के तो भाग्य ही न्यारे हैं सबसे। पद्मा को आशीर्वाद न दोगे बाबा? भला मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला। कल्याण हो बेटी। दाइमा, दाइमा, भैया दाइमा तो अपना काम खत्म करके चली गई। अरे इतने बड़े हाथी को दर्द से बांध दिया? कमाल कर दिया भैया तुमने, कमाल कर दिया। अरे भैया, इस गुड़िया के साथ मैंने इस गुड़िया के साथ मेरी शादी कर दो ना। मालूम है हाथ लगाया तो ये तब मैंने अपनी दाई माँ को दिखाने के लिए लग के आया है। अच्छा, तो मेरे को भी दिखाओ ना भैया। पीतल के घल में पीतल,
बाहल अच्छा के भीतल, जा पूछ के आओ चीतल, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। पीतल के घल में तीतल, बाहल अच्छा के भीतल, जा पूछ के आओ चीतल, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। भूखा हो जब भालू, भूखा हो जब भालू, गुड़ खाए या आलू, चूहिया हो जब छोटी, हलवा दे या लोटी, गाय जो मांगे चाला, गाय जो मांगे चाला, आधा दे या सारा, मुर्गी दे जो अंडा, मैं खाऊं या पंडा। आए न समझ के अंदल, ये प्रश्न है बड़ा पतंदल, जा पूछ के आओ बंदल, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। पीतल के घल में तीतल, बाहल अच्छा के भीतल, जा पूछ के आओ चीतल, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। नन्ही मैना पहने, नन्ही मैना पहने, कितने भाली गहने, कितनी हल्की नथनी, डाले मोटी हथनी। कुत्ता मुंह को चाटे, कुत्ता मुंह को चाटे, या टांगों में काटे, बखला बांधे साड़ी, या बन में दे दाढ़ी। ये सोच न पीछा छोड़े, कब तक कोई माथा फोड़े, जा पूछ के आओ घोड़े, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। पीतल के घल में पीतल, बाहल अच्छा के भीतल, जा पूछ के आओ चीतल, क्या बोले दाई माँ, क्या बोले दाई माँ। विक्रम, ये क्या कर लो तुम? एक पागल ने सारे घर को पागल बना रखा है। पागल तुम? क्या कहा? बताता हूं तुझे पागल कौन है। छोटे बाबू, ये क्या हो रहा है? आप जाइए दीवान जी और अपना काम कीजिए। नहीं नहीं, बेकार जान लेना चाहता है इसकी। बेकारी बेकारी, इसने मुझे बहुत मारा है, तुमको कितना दुख है। दुखिया, इसे दाई माँ के पास ले जा। राजेश्री, देखा तुम्हारे विक्रम ने फिर क्या किया है? देखा, तुमने ये नहीं देखा पहल रघु ने की थी। वो उसका बड़ा भाई है, हाथ उठाने से पहले विक्रम को ये नहीं भूलना चाहिए। अब विक्रम ये भी कैसे भूले कि रघु पागल है और पागल अकल की बात नहीं समझते। मान लो राजेश्वरी कल मेरी अकल जवाब दे बैठे, या तुम पागल हो जाओ, उस वक्त यही लाजिम होगा ना कि विक्रम उस पर लाठी उठाए या तुम पर चाबुक बरसाने लगे। रघु के लिए तुम्हें इतना दुख है तो जाओ और इस छड़ी से विक्रम की खाल उधेड़ दो। छोड़ो राजेश्वरी, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि तुम विक्रम की सगी माँ हो और रघु की सौतेली। क्या है रघु? देखो देखो, विक्रम ने मुझे पीट के मारा है। भगवान, बेदर्दी ने कितनी बुरी तरह मारा है। चलो अंदर चलो। छोटे बाबू आ रहे, छोटे बाबू आ रहे।
दीवान जी, आपसे पहले भी कह चुका हूं, जब मालिक आते हैं तो नौकर उठते हैं। नौकर उठते हैं, दीवान नहीं। क्या चाहिए आपको? मैं पूछने आया हूं जमीन का क्या हुआ। किसान जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। छोड़ने के लिए तैयार नहीं? यूं कहिए कि आप उसे निकालने के लिए तैयार नहीं। वो आया था यहाँ फरियाद लेकर, दो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं उसकी। एक बार बारिश नहीं हुई, दूसरी बार ओले पड़े। ओले हमने नहीं बरसाए, सिर्फ जमीन उसे दी है लगान पर, और लगान हमें मिलना ही चाहिए। लगान तो वो हमेशा देता रहा है, वक्त पर, वक्त से पहले। अब भी उसे देना होगा, और मैं लेकर दिखाऊंगा। सुखिया, चल मेरे साथ। कालीचरण कौन है? हुजूर, नौकर हूँ। तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना? या लगान दो या मुख काला करो हमारी जमीन से। आप मालिक हैं, मुझे रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के नाते इस जमीन पे कुछ हक मेरा भी तो है। हक? ये देखते हो मेरे हाथ में क्या है? ये है तुम्हारा हक। उठो बाबा। कौन हो तुम? हूं तो एक लड़की, आपको कुछ और नजर आती हूं। तेरी ये मजाल, जानती नहीं हम कौन हैं? जानती हूं। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच आने की? हम मालिक हैं, ये रियाया है हमारी, हमारा जब जी चाहे हम इसे जमीन से निकाल सकते हैं। जमीन पर आपका हक है तो किसान का भी हक है। आपके लिए ये सिर्फ जमीन है, उसके लिए माँ है, वो कैसे छोड़ दे ये जमीन? अभी बताता हूं। क्या हुआ? बस यही हुआ कि चमकती हुई बिजली जैसे खेत में आ गई, देवियों जैसा रूप, शेरनी जैसी गरज, माथे पे ऐसा तेज कि खामखा आदमी झुक जाए। मैं मंदिर जाता हूं मालिक, देवी का उपासक हूं, मगर उसे देख के ऐसा लगा जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सभी की छाया हो उसके मुख पर। और वैद्य, वैद्य जमींदार साहब आए हैं। आइए मालिक, विराजिए। विराजेंगे बाद में, पहले ये बताइए आपकी बेटी कहाँ है? उससे कोई कसूर हुआ है? बहुत बड़ा कसूर हुआ है, उसने हाकिम के सामने रिया का साथ दिया। कहाँ है वो? अभी बुलाता हूं मालिक। बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद जाके देखते हैं। मालूम हुआ मुझे
इसे बगावत की आग कहाँ से मिली है? बड़ी नादान है मालिक, गरीब वैद्य की बेटी ने अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ ली है। तो ये इसी पढ़ाई का नतीजा है कि वो मालिक को मालिक नहीं समझती, कहती है जमीन पर जमींदार का हक है तो किसान का भी हक है। बिल्कुल है, जब आप जाड़े की रातों में मखमली लिहाफों में लिपटे हुए गर्म कमरों में आराम की नींद सोते हैं, उस वक्त बेचारा गरीब किसान सर्दी में ठिठरते हुए कांपते हुए हल जोतता है और खुद भी जूता रहता है बैल की तरह। बेटी, गर्मी में जब आप खुशबूदार खस के पर्दे के पीछे पंखे की ठंडी हवा खाते हैं, वो जलती हुई तपती हुई धूप में नंगे बदन खुद खेतों में जलता है तपता है। पद्मा, बरसात में झोपड़ा उसका बहता है और आसमान से जब ओले बरसते हैं तो आपकी हवेलियों पे नहीं बरसते, वो बरसते हैं उसकी फसल पे, उसकी जान पे। इसीलिए जमीन पे जमींदार का हक है तो किसान का भी हक है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चिड़ियाबाज में हमेशा फर्क रहेगा। बेशक फर्क रहे, लेकिन ऐसा तो ना हो कि बाज हमेशा अपनी ताकत के नशे में बेचारी चिड़िया पे झपटे और उसे नोच नोच डाले। बाज को जीने का हक है तो चिड़िया को भी जीने का हक है। ये बात है, मैं क्या करूं मालिक, मेरी बेटी मेरे बस में नहीं। इसीलिए हमने फैसला किया है पद्मा को इस घर से निकाल दिया जाए, इस गांव से निकाल दिया। मालिक, 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 दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। नहीं वैद्य जी, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। तूफानी नदी का जोर तोड़ने के लिए कई बार जरूरी होता है कि उस पर बंध बांध दिया जाए। हमने पद्मा के लिए भी कुछ ऐसे ही फैसला किया, हमने फैसला किया है पद्मा की शादी कर दी जाए हमारे बेटे से। मालिक, आज से आप मालिक नहीं कहेंगे मुझे, आप मेरे समधी। बेटी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? सुहागवती राव, मुझे भी कहां मालूम था, लड़की देखी देखते रिश्ता मांग लिया। पद्मा नाम है। सिर्फ नाम से क्या होता है? नाम के साथ साथ गुण भी हैं, इतने बहुत से। ऐसी गुणवती तुम्हें मिली कौन सी खान से? अपनी ही जमींदारी में, गांव है श्यामपुर। श्यामपुर, उस दलदल में वैसे कमल भी खिलने लगे? कमल तो खिलता ही है कीचड़। समझ गई, अब पूछने की जरूरत नहीं लड़की का खानदान क्या है, बाप कौन है। खानदान तो वो पूछे जो झूठी इज्जत के भूखे हो, रुपए के मोहताज हो। हमारे पास तो दोनों है, हमें तो एक बहू चाहिए, रूपवती, गुणवती। गुणवती आपको चाहिए, मुझे धनवंती चाहिए। धन भी बहू का एक गुण होता है, आप भूल रहे हैं। मैं नहीं भूल रहा हूँ राजेश्वरी, तुम भूल रही हो। जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी तो हमने यह गुण नहीं तोला था तुम्हारा। कहो और जोर से कहो, सारी दुनिया को सुनाओ, चाहो तो अपने बेटे को भी बुला लो, उसके सामने मुझसे कहो। तुम भूल रही हो राजेश्वरी, आज से 30 साल पहले मेरे बाप ने तुम्हारे बाप को रुपए दिए थे, तब तुमसे मेरी शादी हुई थी, यही जताना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं राजेश्वरी, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता था, पद्मा का रूप देखो, उसके गुण देखो, उसे सोने चांदी से मत तोलो। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी कंगाल के घर नहीं ब्याह जाएगा। नहीं नहीं राजेश्वरी, मैं इतने लोगों के सामने वचन देकर आया हूँ, मेरे वचन का तो सोचो। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ। पद्मा जैसी बहू घर में आए, घर के भाग संवर जाते हैं। अब भी दोनों बातें हो सकती हैं, तुम्हारा वचन भी निभ सकता है और घर के भाग भी संवर सकते हैं। कैसे? पद्मा की शादी विक्रम की बजाय अपने बड़े बेटे रघु से कर। रघु से? हाँ रघु से। ये कैसे हो सकता है? यही हो सकता है राजेश्वरी, रघु भी तो तुम्हारा बेटा है। उतरिए। हम नहीं उतरेंगे, हमें घोड़े पे बैठना अच्छा लगता है। अरे जितनी करते उतरिए, कैसे दिया मैं नहीं उतरूंगा। अरे ऊपर ऊपर चलो, मैं चलो मैं बैठ में। ओम जन्नो देवी रभिष्ठया आपो भवन्तु पीते
संयों और अभिश्रवंतुनः अज्ञानो अभिवाद यमनः मरुतामोजसे स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा अग्ने जनोम ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय जनोम वरो और वधो को सप्तपदी के लिए उठाइए याने गाने जा पापा ने जन्मांतर गता ने जा ताने दाने नक्षंते प्रदक्षिण पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेना रक्ष रक्ष जनार्दना ओम नमस्त नंदाय साधु समूह तुम भी चलो मेरे साथ मैं नहीं चल सकता मैं मुझे डर लगता है मुझे लगता है दूल्हा कुछ पागल है कुछ क्या बिल्कुल है नहीं तो इतना बड़ा जमींदार और अपना बेटा एक मामूली बैद की लड़की से ब्याह तुम्हारी चंद को क्या सूझा बेटी पागल के गले में बांध रहा पद्मा रुक जाओ वैद्य जी ये क्या कर रहे हैं आप सप्तपदी में रुकावट डालना अशुभ होता है इस वक्त मुझे शुभ अशुभ न समझाइए जमींदार साहब कृपा करके बारात वापस ले जाइए ढोली के बिना कभी जमींदारों की बारात लौटते देखी है आपने नहीं देखी है जमींदार साहब लेकिन आज तक ये भी नहीं देखा कि जमींदारों ने एक पागल को लाके वेदी पे बिठा दिया जल्दी कीजिए महाराज शुभ घड़ी बीती जा रही है तुम्हें शुभ घड़ी नजर आती मेरे दरवाजे पे काल आकर खड़ा हो गया है मैं दवाई बेचने वाला गरीब वैद्य बेटी बेचने वाला दुकानदार नहीं बेटी नोच दो ये सिंदूर खोल दो ये गांठ लौटा लो कदम ये कदम अब नहीं लौटेंगे पिताजी मेरे लिए पहले फेरे और सातवें फेरे में कोई फासला नहीं बावली हो गई है पद्मा आप कुछ भी कहिए पिताजी मैं ब्याह के सारे मंत्र पढ़ चुकी हूँ मैं अग्नि को साक्षी मान के इन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ तो मैं खुद खोलता हूँ ये गांठ खुद नोचता हूँ तुम्हारा सिंदूर पिताजी मैं अब सुहागन हूँ और सुहागन का सिंदूर नोचने का अधिकार किसी को नहीं पिता को भी नहीं आप मंत्र पढ़िए पंडित जी ओम नमः सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रवादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय चाचुते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः जाने से पहले हमें आशीर्वाद नहीं दोगे बापू तुम्हें आशीर्वाद मैं चाहती एक मूर्ख अनपढ़ तुम तो साक्षात देवी हो बापू मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना बापू बेटी बापू बेटी बापू बेटी बेटी ले जाइए जमींदार साहब ले जाइए लेकिन ये न भूलिएगा कि आप मेरे कलेजे का टुकड़ा ले जा रहे हैं इस घर से आज तक पद्मा आपकी बेटी थी लेकिन आज से मेरी मैं इसे वही प्यार दूंगा जो आपने दिया चलो बेटा बाबा बेटी सौभाग्य रहो बेटी चलो बेटा मार्किन 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 डोली आ गई डोली आई है अरे कोई खजाना तो नहीं आया जो चोर मचा रही है जा अपना काम कर जा ठहरो बहू जब तक सास खुद आकर बहू का स्वागत नहीं करेगी बहू अंदर नहीं जाएगी सुखिया जी जाओ मालकन को बुला लो
मालकिन। क्या है? माफ करना, बड़े सरकार ने आपको याद किया है, चलते बहू रानी का स्वागत कीजिए। चलो बेटी आओ। ये लो भाभी, संभाल अपना दूल्हा, अब हम लोग जाते हैं। दाइमा, दाइमा, दाइमा कौन है? इसे ये भी नहीं मालूम दाइमा कौन है। दाइमा, दाइमा? बली अच्छी है मेरी दाइमा, मुझे खिलाती है, मेरे साथ खेलती है, सब मुझे पागल कहते। दाइमा कभी नहीं कहती, देखो देखो मैं पागल लगता हूँ। नहीं तो क्या है रघु? दाइमा, मुझे बुलाया तुमने? ये है मेरी दाइमा। अरे ये क्या, घर की बहू, पांव पड़े नौकरानी? ये तो आपको नौकरानी नहीं समझते, माँ मानते हैं, बहुत मानते हैं आपको। बड़ा भोला है मेरा बच्चा, दिल फूल की तरह कोमल है, जरा सी आंच नहीं सहता। आज तो मैं सोप रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ। मूरख कहीं का, तेरी शादी हो गई है, अब तू यहीं रहेगा। तो ये कहाँ रहेगी दाइमा? यहीं रहेगी। सोएगी कहाँ? जहाँ रहेगी वहीं सोएगी। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। कहीं जदिया नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं बात नहीं करूंगी तुझसे। सच्ची? हाँ। अच्छा तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम मुझसे बात करोगी ना? करूंगी रे, नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मुझे मालूम था, मुझे अच्छा, मालूम था। देखी मेरी दाई माँ अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे लिए पाप है। दाइमा कहती है जब तुम्हें कोई नमस्कार करे तो तुम भी उसे नमस्कार करो। दाइमा ने ये नहीं बताया आपको? छोटे नमस्कार करते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं। छोटे नमस्कार नहीं करते, मारते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई विक्रम मुझे मारता है। छोटा भाई मारता है? हाँ बहुत मारता है, छोपे पे बैठूं तो मारता है, हंसता हूँ तो मारता है, लोता हूँ तो भी मारता है, बिल्कुल पागल है वो, जब देखो मारता रहता है, इधर देखो इधर कितना मारा है मुझे। अरे तुम लोती हो? अच्छा फिर मैं ये निशान कभी नहीं दिखाऊंगा, विक्रम मारेगा तो भी नहीं। विक्रम कभी नहीं मारेगा आपको, किसी की ताकत नहीं होगी आपके हाथ उठाए। एक बार फिर से हाथ लगाओ, अच्छा लगता है। आप ले जाइए, मैं पीठ सहलाती हूँ।
नींद आ रही है आपको? नींद कहाँ आएगी, जब तक मुझे कोई गाना नहीं सुनाए मुझे नींद नहीं आती है। सजन तू सो जा गीतों में छुपा लूं, सजन तू लेने नहीं आया तुमसे। मैं तो भूल ही गई, आपके पिताजी ठीक कहते थे, कहते थे उनके घर में एक बैल है जिसे सुधारने की सख्त जरूरत है। आपको तो मालूम ही होगा
की विद्या में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जरूरत पड़े तो सिखा भी सकती हूँ आपको। पानी है जी, ज़रा खुश कहेंगा। कहाँ जा रहे हो? ये नहीं सोचा अभी माँ, बस इतना सोच लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आज मुझे बैल कहा गया है माँ, कल जाने क्या कहा जाएगा। किसने कहा है? पिताजी की लाडली बहू ने, और किसने। पांव की जूती कोई दस्तार मान के सर पे रख ले तो और क्या होगा। जमींदारी के लिए अपमान भी सहने पड़ते हैं बेटे, ये मत भूलो कि गद्दी का असली हकदार रघु है, और मैं चाहती हूँ उस गद्दी पर तुम बैठो। मेरे बेटे, तुम चले जाओगे तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगी। और तुम हारना नहीं चाहती हो? नहीं। लेकिन जेब की हालत देख रही हो माँ, आज इस जेब का ये हाल हो तो बरसों बाद आने वाली गद्दी को कोई क्या करे। आओ मेरे साथ। नहीं माँ, मैं तो कुछ नहीं देख रहा था। माँ तो तकलीफ क्यों कर रही है, जमींदारों के घर रुपए गिने नहीं जाते माँ, तो ले जाते हैं।
कुछ भी कहीं लोगों से हमें क्या लेना यहाँ क्यों आया है? बड़े भैया को देखने के लिए, शहर से नया नया हमारे गांव में आया है। डॉक्टर, आइए मेरे साथ, तुम जा सकते हो। डॉक्टर, मैं अपने बड़े भाई का पागलपन खरीदना चाहता हूँ। आप मुंह खोल के कीमत मांगिए और मैं जेब खोल के अदा करूंगा। मैं मरीजों का इलाज करता हूँ, उन्हें बेचता नहीं हूँ। तुम तो यार बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हें मरीजों की जान प्यारी है। जरूर है। फिर तो तुम्हें अपनी जान भी प्यारी होगी। जी। निकल जाओ यहाँ से और खबरदार कभी यहाँ पांव रखा। ऐसा नहीं था रघु, माँ का दूध छूटा नहीं था कि माँ मर गई। मालिक ने वचन दिया कि वो दोबारा ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया, मगर सौतेली माँ रघु की माँ न बन सकी। नींद की माँ थी, रघु के दूध में थोड़ी सी अफीम मिला देती थी। अफीम? हाँ, ताकि उसके आराम में फर्क ना आए। जाने कितने महीने कितने साल इसी तरह अफीम मिलाती रही, उसका असर यह हुआ। और जमींदार साहब क्या करते रहे इतने साथ,
किसी ने बताया नहीं उनको, ताकत ही नहीं थी किसी की। मालिक बहुत तरबाह रहते थे, घर मराने का रास्ता, कोई बोलता उसकी जबान खींच ली जाती। एक आदमी खुला भी, लेकिन रानी ने रुपए ठोंस दिए उसमें। अब जो रघु है वो तुम देख ही रही हो, इसलिए तो कहते हैं माँ बुरी हो लेकिन सौतेली न हो। तुम रो रही हो? नहीं दाइमा, अब मैं नहीं रोऊंगी। मुझे मालूम है मेरे लिए बहुत काम पड़ा है दुनिया में, जो दूसरों ने बिगाड़ा है मुझे संवारना है। जिम्मी जिम्मी हर वक्त झगड़ते रहते हो। अरे डायमर तुम चलो आइए मेरे साथ। किधर पद्मा? आइए तो मुझे शक्ति दो माँ, मैंने जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है उसे अंत तक निभा सकूं। कहिए माँ, मेरी शिक्षा पूर्ण हो। माँ मेरी शिक्षा, मेरी शिक्षा पूर्ण हो। पूर्ण हो धीरे पढ़ूंगा तो सब भूल जाता हूँ। ये पी लीजिए। ये क्या है? दवाई है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। लीजिए अब आप ये पढ़िए। प इकापीत आकार का पिता, भ आकार भाई, भाई 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 नहीं पढ़ूंगा, जाओ भाई बहुत बुरे होते हैं, बहुत खराब होते हैं। इतना तो पढ़ेगा। मैं नहीं टिकूंगा भाई भाई नहीं टिकूंगा। लेकिन किताब में और भी तो शब्द हैं, जैसे माँ। माट माँ, मामा, मामी, मामू, 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 दाई माँ, डायमंड। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी जी हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं। लेकिन मान किन का है? कह जो दिया, चलो बाहर जाओ जाओ, फिर कभी मत आना यहाँ। ₹2500 किस काम के वास्ते लिए हैं विक्रम ने? जी कह रहे थे जेब खर्च के लिए चाहिए। और जो पिछले 5 साल लिए थे उनका क्या हुआ? जी वो देख रही हो तुम्हारे लाडले ने क्या किया है? देख रही हूँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारी लाडली ने क्या किया है? 4 दिन पहले 5 हजार ले गया था, आज 2500 और निकले उसके नाम पर। इस तरह का हिसाब कब तक चलेगा? यही तो मैं पूछती हूँ, इस तरह का हिसाब कब तक चलेगा? जिसमें आज ये लक्षण वो कल क्या करेगी? आज तो उसने एक हिस्सा बंद किया है हवेली का, कल वो सारी जमींदारी संभाल बैठेगी। मैं विक्रम की बात कर रहा हूँ। मैं बहू की बात कर रही हूँ। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि आज विक्रम का ये हाल है तो कल क्या होगा? क्या होगा? बिगड़े हुए बेटे संवर सकते हैं। तुम ये क्यों नहीं सोचती? बेटा जैसा भी हो अपना होता है, बहू जैसी भी हो पराई होती है। बड़े कह गए हैं घोड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसके मुंह में लगाम होनी चाहिए और सवार के हाथ में चाबुक। तुम हंस रहे हो? हाँ हंस रहा हूँ एक बात पर। हर सास भूल जाती है एक दिन वो भी बहुत ही एक 62, 63, 64, 65। बस बस मुझे मालूम है आपको सारी गिनती आती है। लीजिए अभी किताब पढ़िए। पढ़िए कर एला करेला। ठीक 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 कलवा तय कलवा
आकार म आम मीठा होता है अनार अनार। कभी कभी अनजाने में वो ऐसे तार छू बैठते हैं कि मेरे बदन का रुआ रुआ झनझना उठता है। माँ मेरे कदम डगमगा न जाए। तुझे जरूरत क्या है लोगों के आगे हाथ फैलाने की? माँ तो कितनी अच्छी है। बच्चा बाकी गोद में बैठा है माँ हुक्का पी रही है। माँ नहीं बाप हुक्का पी रहा है। यही तो पहला हूँ माँ हुक्का पी रही है। आपको नहीं मालूम एक शब्द बदलने से सारा अर्थ बदल जाता है। यही तो मैं भी कहता हूँ इतने सारे शब्द क्यों हैं? मेरे सर में नहीं घुसते मुझे पढ़ना उड़ना नहीं मुझे नींद आती है। ऐसा नहीं कहते आंखें भिगो लीजिए नींद नहीं आएगी। ये पढ़ी सोइएगा नहीं। गमले में चालपाई लगी है चालपाई पे बच्चा लेटा है। माँ बैठे पंखा झल रही है बच्चे को नींद। कमरे में चालपाई रखी है चालपाई पे बच्चा लेटा है। बंद कीजिए लीजिए दवाई पीजिए। क्यों लीजिए? ये लो लो मुझे तुम कल भी दवाई पिलाती हो। चलिए पीजिए। विद्यार्थियों के लिए पान खाना मना है। ये लीजिए। मुझे दे दो बिटिया ये नाजुक कलाई बोझ उठाने के लिए नहीं है।
ऐसा सवाल पूछ बैठे, मैं कैसे बताती आपको प्रेम क्या होता है, पति पत्नी का प्रेम क्या होता है। एक दिन शायद मैं बता भी सकूंगी, आप जान भी सकेंगे। कमरों से तबीयत घबराने लगी है, जी चाहता है बाहर जाऊं जैसे दूसरे लोग जाते हैं। मैंने तो देखी नहीं बाहर की दुनिया कैसी है, जाऊं? जाइए, वापस तो आइएगा ना। लेकिन पाठशाला में नहीं, भीख और भाव मिट जाए सारा,
जाए सारा। आदमी आदमी को हो प्यारा, आदमी आदमी को हो प्यारा, आदमी आदमी को हो प्यारा। कोई ऊंचा और नीच न हो, दुनिया के बीच न हो, जात न हो, बात रहे साथ तुझ कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। धरती के बंदे टूट जाए रिवाजों के फंदे, बंद हो जाए चोरी के धंधे, बंद हो जाए चोरी के धंधे, बंद हो जाए चोरी के धंधे। मिटे काला बाजार, पड़े झूठे कुमार, खुले फूल फटे ढोल घटे बोल, तुझ कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा, जाए जुग जुग का बोझल अंधेरा। कोई झगड़ा ना हो तेरा मेरा, कोई झगड़ा ना हो तेरा मेरा। लहर ले शांति का फरेरा, लहर ले शांति का फरेरा, लहर ले शांति का फरेरा। न हो देशों में जंग रहे सब एक संग, बुझे आग मिटे लाग चिड़े राग, तुझ कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। ऐसा समाज मिले सबको अनाज, न हो लूट न हो फूट न हो झूठ, तुझ कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। बहुत खूब, हमें तुम लोगों का गाना बहुत पसंद आया। छुरी दिखाने लगा, लौट भी है। कहाँ है वो? नाम भी है, जानता हूं, पागल। ये तो आपने अपना परिचय दिया, किसी और की बात करने से पहले थोड़ी सभ्यता सीखेंगे। सभ्यता हम तुमसे सीखेंगे, गांव की गर्द से। गांव की गर्द उस चंदन से अच्छी है जो दुकानों पे बिकता है। बिकती मिट्टी भी है और गोबर भी, ये तो बेचने वाले जानते हैं या खरीदने वाले जानते हैं। कभी मौका मिले तो अपने बाप से पूछना जाके। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मेरे बापू वैद्य हैं, सौदागर नहीं। हमारे घर बेटी बेचने की रस्म नहीं है, रिवाज होगा तो आपके घर होगा बहू खरीदने का। बदतमीज, तुम सीधी मेरे नाना तक पहुंच गई, अपनी सास तक। मैं कहीं पहुंची भी हूं तो अनजाने में, आप तो जानबूझकर मेरे बाप तक पहुंच गए थे। आज मुझे दुख हो रहा है, उस दिन मैंने आपको बैल कहा था, बैल जानवर है लेकिन ऐसा जानवर नहीं।
हैं? मुझे खुद मालूम नहीं। विक्रम तुमसे इतना कुछ कह गया और मैं खामोशी से सुनता रहा। क्यों सुनता रहा? मेरी जगह कोई दूसरा होता तो मुंह तो क्यों? दूसरे मेरी तरह कमजोर नहीं, डरपोक है, बुजदिल नहीं। कौन कहता है बुजदिल है? मेरा दिल कहता है। झूठ कहता है आपका दिल। मैं साबित कर दूंगी आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन अच्छे हैं। आप बैठिए पिताजी। पहले ये बताओ 24 घंटे ये दरवाजे बंद क्यों रहते हैं? दरवाजे खुले हों तो घर का कूड़ा करकट अंदर आ जाता है। तो लोग ठीक कहते हैं, तुम्हारी जबान कटार की तरह चलती। मैं बाहर नहीं जाती पिताजी, इसीलिए मुझे मालूम नहीं लोग क्या कहते हैं। जानती हो कितनी उम्मीदों के साथ मैं तुम्हें बहू बना के इस घर में लाया था, मगर तुमने इस घर में पैर रखते ही अपना कुछ ऐसा रूप दिखाया कि मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। मुझे ये तो मालूम था आपकी कचहरी में मेरा मुकदमा पेश किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बुलाने की बजाय आप खुद चले आएंगे। आना पड़ा, लोगों की शिकायत सुनकर आप दे गई। सुना है तुमने विक्रम के नाना पे कीचड़ उछाला है? जी नहीं, कीचड़ से वो खुद खेल रहे थे। मुंह पे चार छींटे पड़ गए तो छोटे बच्चों की तरह दूसरों का नाम लेकर रोने लगे। तुमने कहा है कि हमारे घर में बहुएं खरीदी जाती, ये गुस्ताखी ही नहीं बहुत बड़ा कसूर किया है तुमने। तुम्हारे थोड़े से गुण देखकर मैं मुक्त हो गया था, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। मैंने आपको धोखा दिया है? बेशक धोखा दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पिताजी आप कहते हैं मैंने आपको धोखा दिया है, इससे बढ़ के आप और क्या सजा देंगे मुझे? तो तुम अपने आप को बेकसूर कहना चाहती हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अगर कहने जाऊंगी तो बहुत कुछ ना कहने लायक भी कहना पड़ेगा। उसे जाने दीजिए। आप सजा दीजिए, मैं चुपचाप कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये नहीं हो सकता, इंसाफ करने आया हो इंसाफ ही करूंगा। तो मैं जो कुछ कहना है कहो कहो। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारे साथ? किसने किया है? आपने। बहू आप शांत हो पिताजी, मेरी कई शिकायतें अभी बाकी हैं। ये पहला धोखा नहीं है आपकी जिंदगी का, कई लोग धोखा खा चुके हैं आप। कुछ इस दुनिया में है कुछ उस दुनिया में। चुप क्यों हो गई? कहती जा, आज मैं तुम्हारे हौसले की आखिरी हद देखना। तो सुनिए, आपने अपनी स्वर्गवासिनी पत्नी को धोखा दिया है, मेरे भोले भाले पिता को धोखा दिया है। तुम्हारी ये मजाल क्या? तुम आप नाहक नाराज हो रहे हैं, इनसे मैंने ये बात उठाई थी ताकि आप इंसाफ कर सके। बेशक बेशक इंसाफ करूंगा, लेकिन तुम जानती हो उसका नतीजा क्या होगा। तुम्हें अपने पति का हाथ पकड़ मेरे घर से बाहर निकल जाना। कसूर मैं करूं और सजा मेरे पति को मिले? जी नहीं, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इंसाफ से किसी को रिहाई नहीं मिल सकती, तुम्हें भी नहीं मुझे भी नहीं। दीवान जी। हाँ हाँ दीवान जी, हमारे बीच इसका फैसला करेंगे। तुम्हारी शिकायत है बहू रानी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। हाँ दीवान जी, आप इन्हीं से पूछिए, जब ये मेरी शादी की बात करने आए थे इन्होंने कहा था कि इनके बेटे का दिमाग। दीवान जी ये तो आप भी जानते हैं, मैंने इसके बाप से कहा था कि आके लड़का देख ले। आपने साफ साफ नहीं कहा। आप कितने ही बड़े जमींदार क्यों ना होते, मेरे पिता आपके सामने कितने ही छोटे आदमी क्यों ना होते, लेकिन दामाद की असली हालत उन्हें मालूम होती तो वो जरूर इनकार करते थे। ये धोखा नहीं तो और क्या था? एक धोखा इन्होंने अपनी स्वर्गवासिनी पत्नी से भी किया था, अपने बेटे की माँ से, जिसे मरते वक्त इन्होंने एक वचन दिया।
और पाल न सके। आप उनके सर पे हाथ रख के भगवान की सौगंध खा के वचन नहीं दिया। आप दूसरा ब्याह नहीं करेंगे, अपने बेटे के लिए सौतेली मां नहीं लाएंगे। लेकिन आप लाए, लाए या नहीं? लाया, लेकिन सौतेली सोच के नहीं। आपने सोचा क्या था मुझे मालूम नहीं। जो हुआ है मैं वो बयान कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपने अपने बेटे पे कितना बड़ा जुल्म किया है। उनके दिमाग का जो हाल रहा है सिर्फ आपके कारण। मेरे कारण? आपके न सही, आपकी पत्नी के कारण। बहू, तुम हद से गुजरती जा रही हो। जी नहीं, मैं तो सिर्फ वो हद बता रही हूँ जहाँ तक आदमी पहुँच सकता है। आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा, बेटे की माँ दूध में अफीम मिला के पिलाती रही है बेटे को महीनों तक, बरसों तक। अफीम? जी, अफीम। ये बात आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये भी एक शिकायत है मेरी, आपको ये बात कई बरस पहले जाननी चाहिए थी। गरीब नौकर या तो मालकिन के डर से खामोश हो गए या चांदी के जोर से। ये उसी अफीम का असर है कि उनका दिमाग। लेकिन रघु का दिमाग खराब रखने से किसी का क्या फायदा बहू रानी? फायदा है दीवान जी, लड़का बड़ा होके भी बाप की गद्दी पर ना बैठ सके, जिंदगी भर छोटे भाई का मोहताज बना रहे, यही फायदा है। उन्हें मालूम है हकदार से हक छीनने के लिए एक लफ्ज काफी है, पागल। लेकिन माँ के आशीर्वाद और भगवान की दया से वो अब पागल नहीं रहे। रघु पागल नहीं है। पद्मा, रघु, 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 ये तुम्हारे हाथ में किताबें कैसी? जी मैं पढ़ने के लायक। पढ़ने के लिए भगवत गीता, नागरिक शास्त्र के सिद्धांत, देवभक्ता, ये सब तुम पढ़ते हो? दीवान जी देखिए, मेरा रघु ये सब किताबें पढ़ने लगा, अभी ये सब किताबें पढ़ता है। समझ में नहीं आता ये इनकलाब कैसे हुआ। रानी, मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मुझे पाप चढ़ा रहे हैं? दीवान जी, मुकदमा आपने सुन लिया है और ये भी साबित हो गया है कि कसूरवार कौन है। आप मुझे जो सजा देंगे मंजूर है। सजा आपको मिल चुकी है मालिक, आपने ऐसी कड़ी बातें पहले कब सुनी होंगी, किससे सुनी होंगी? बहू रानी, जो सर कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज तुम्हारे सामने झुक गया। मेरे सामने नहीं दीवान जी, सच्चाई के सामने। खत्म हो गया मुकदमा, कर आया फैसला? फैसला कर नहीं आया, हो गया। मुझे पहले ही मालूम था वो बहुत चालाक है, उसने जरूर दूसरा ही दाव खेला। दाव उसने नहीं खेला, दूसरे खेल चुके थे बहुत पहले, बरसों पहले। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा रघु पागल नहीं था, पागल बनाया गया।
मेरी जायदाद के लिए, मेरी दौलत के लिए। दौलत के लिए माँ बेटे को अफीम दे, ये मैं सोच भी नहीं सकता। एक ही साथ कह डालो ना, और क्या क्या सुन के आए बहू से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं लाख कहूं तो अब कहने से क्या फायदा, बस एक बात कहता हूं तुमसे, मैं तुम्हें रघु की मां बनाकर लाया था, तुम के कहीं निकलोगी मुझे मालूम नहीं था। तुम बनाकर लाए होगे मुझे रघु की मां, लेकिन बाकी सब रघु को देखकर कहते थे बेचारा रघु पड़ गया सौतेली के पल्ले, और फिर एक दिन तुमने भी रघु को मेरी गोद से उठाकर बाई के गोद में डाल दिया। बस उस दिन लोगों की बात सच हो गई और मैं बन गई कि कहीं मुझे जो सजा देना चाहो दे लो। बस अब तो मैं एक ही बात कह सकता हूं राजेश्वरी, आज से इतना सोच लो तुम्हारा एक बेटा नहीं है, दो बेटे रघु और विक्रम। माँ का प्यार तो गंगा की तरह विशाल और उदार होना चाहिए, एक और प्यासा पानी पी ले तो गंगा का पानी घट नहीं जाता। बाप के लिए सबसे बड़ा दिन वो है जब वो अपनी जगह अपने बेटे के लिए छोड़ता है अपनी जिंदगी में। आ बेटा बैठ जाओ। नहीं पिताजी, ये जगह विक्रम की है, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा। नहीं, आज से ये जगह तुम्हारी है। बिराजिए, हमें तो बरसों से इस दिन का इंतजार। आज से ये जो कहेंगे वही सारी जमींदारी में मेरा हुक्म समझा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस जगह बैठे से जहां तुम्हें कई हक मिलते हैं वहां कई जिम्मेदारियां भी आती हैं तुम्हारे कंधे पर। जानता हूं पिताजी। भैया। हाँ विक्रम, आज से तुम अपने बड़े भाई का हाथ बटाओगे। तुम हमेशा रहो दुनिया में इस तरह जिस तरह राम और लक्ष्मण थे कभी। मालिक, वकील साहब आ गए। अच्छा आओ विक्रम, आओ ना। अरे जमींदारी तो गई, उसका मातम करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब तो विक्रम से जितना रुपया निकलता है निकाल लो। पर ये भी तो बताओ कैसे। देखो जी, आज तुम खामोश रहो, मैं बाप की एक्टिंग करने वाला हूँ और फिर देखना रुपया कैसे आता है। जी, हाँ। जी, कुर्बान जाऊँ, बकरा आ रहा है। बकरा? अजी विक्रम, बकरा, विक्रम आ रहा। जाओ जल्दी से तुम अपने बाल बिखेर दो। सुनो जी, आज मैं सबको डांटने वाला हूँ और तुम्हें भी डांटूंगा। क्या? अरे विक्रम आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज मैं ये झगड़ा खत्म करके रहूंगा। मोहब्बत रही से तुमने ये रोग लगा लिया तो जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरा मालिक ले जाएगा। अरे तुम्हारे मालिक के पास तो फूटी कौड़ी तक भी नहीं है। घर बार भाई का, जागीर भाई की, दौलत जायदाद भाई की। तुम्हें तो जायदाद क्यों पड़ी रहती है, अपने बच्चे का नहीं सोचते? गंगा की माँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं इसी का सोच के तो कह रहा हूँ, रामनगर के जमींदार ने शाम तक का वक्त दिया है। चंदा, ये विधवा का भेष बदल दो और कोई अच्छा सा लिबास पहन लो। रामनगर का जागीरदार तुम्हें सर से पांव तक सोने में लाद देगा और इस घर को रुपयों से भर देगा। तुम्हें रुपया चाहिए ना? मेरा मालिक जैसे भी होगा तुम्हें रुपया ला कर देगा, तुम्हारे मुंह पर मारेगा और कहेगा खबरदार मेरी चंदा के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार सोचा तो। आप जिम्मेदार साहब कुछ कीजिए, अपनी चंदा को बचा लीजिए। अब आपने सारी बातें सुनी ली है तो पर्दा किस बात का? अगर आप शाम तक 5,000 रुपए नहीं लाएंगे तो चंदा को यहाँ नहीं पाएंगे। आप इनकी बात न सुनिए, थोड़ा सा जहर ला दीजिए मुझे, रामनगर के जिम्मेदार के पास आपकी चंदा नहीं, उसकी लाश जाएगी। न जहर आएगा चंदा, न तुम्हारी लाश जाएगी। तुम्हें रुपया चाहिए ना? जी, मिल जाएगा। दीवान जी, तिजोरी खोलिए। क्यों? कहते हैं अक्कलमंद के लिए इशारा काफी होता है, आचार्य नहीं समझते। मुझे रुपए चाहिए दीवान जी। 5,000? माफ कीजिए, मैं दे नहीं सकता। दे नहीं सकते?
मुझे हुक्म मिला है, मैं आपको रुपया नहीं दे सकता बड़े भैया की इजाजत के बगैर। बड़े भैया जमींदारी के अख्तियार क्या मिले कि तिजोरियों के मुंह बंद हो गए हैं। आज मुझे नौकरों के सामने दलील होना पड़ा। मैं पूछता हूं यह हुक्म किसने दिया है? यह मेरा हुक्म नहीं, हुक्म दिया है जमींदार साहब ने। जमींदार साहब ने या तुम्हारी बीवी ने? बिक्रम आंख हिम्मत दिखा जोरू के गुलाम। इन्हें बता रही हूँ बड़ों के साथ किस तरफ पेश आना चाहिए। तुम्हें क्या, दोनों भाई हैं आपस में, आज लड़ेंगे कल गले मिल जाएंगे। तुम कौन होती हो बीच में पड़ने वाली? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं पत्नी हूँ उस बड़े भाई की, जिसकी पीठ पे छोटे भाई की चाबुक के निशान अब तक मौजूद हैं। अब भी तुम चुप हो? ठीक है, कल ये चाबुक तुम पर भी चल सकती है माँ, और मैं देख नहीं सकूंगा, इसीलिए मैं इस घर से जा रहा हूँ। विक्रम! नहीं माँ, जब तक ये इस घर में मौजूद है मैं यहां नहीं रहूंगा। आज तो देख लिया ना अपनी आंखों, बहू ने क्या किया है। इतने जवान बेटे को मारा है सभा के सामने, नौकरों के रूबरू। अच्छा किया, जो आज बहू ने किया है वो तुम्हें करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। अगर करते तो आज विक्रम का ये चलन न होता। तो उसे चलन सिखाने का यही तरीका सोचा है तुमने कि पराई लड़की घर में आ रही थी बोटियां उड़ा दे? यही तो दोष है तुम में, हर वक्त बहू पे इल्जाम लगाने के लिए तैयार रहती हो, बेटे का दोष नजर नहीं आता। लेकिन याद रखो, प्यार तुम्हें उसी बेटे से मिलेगा जिसे तुम हमेशा नफरत करती हो, और जिसे तुम अपने जिगर का टुकड़ा मानती हो वही तुम्हारे जिगर पर बर्छे चलाएगा। तो क्या करूं, अभिन दे दो विक्रम को। ये तुम नहीं करोगी, विक्रम तुम्हारा सौतेला बेटा नहीं। बस खत्म हो गई बात, बहू की आंखों में तो मैं खटक दी थी, आज मालूम हुआ तुम भी यही चाहते हो कि मैं चले जाऊं इस घर से। राजेश्वरी, मैं इतनी बेशरम नहीं जो ये सुन के भी रहूंगी तुम्हारे घर में, तुम्हें तुम्हारी बहू मुबारक हो। राजेश्वरी, 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 रघु, ये लो मेरी वसीयत, मेरे बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी तमाम दौलत पर सिर्फ तुम्हारा इख्तियार होगा। नहीं पिताजी, नहीं, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये जमींदारी भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो तुम्हें दे रहा हूं बेटा, उनको नहीं दे रहा जिनको चाहिए। राजेश्वरी, तुम सब लोग बाहर जाओ। राजेश्वरी, पढ़ ली, जो दम भर के मेहमान हो उनसे नाराज नहीं होते, तो इसीलिए नाराज है ना कि मैंने वसीयत रघु के नाम लिख दी, विक्रम के नाम नहीं। विक्रम को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रघु जिस तरह चाहे हमें रखे, हमें उसकी गुलामी भी मंजूर है, हमें तो सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए, मुझे भी और विक्रम को भी। Thank you.
रोने का वक्त नहीं, दान करने का वक्त है। ब्राह्मण बुलाओ इससे पहले कि मेरी जबान बंद हो जा। रघु रघु मेरे पास है बेटा। बहू अब बुलाओ। रघु ये जो बैठी रो रही है इसने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा। याद रखना बेटा यही तुम्हारी माँ है और इसी के पांव के नीचे तुम्हारा स्वर्ग है। पिताजी पिताजी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जमींदार साहब क्या हुआ है जमींदार साहब को? स्वर्गवास हो गए छोटे माले। माँ जी ने कहा है पिताजी के अंतिम दर्शन कर लीजिए घर में आके। मां से कहिएगा मैं मजबूर हूं। सारा शहर आया हुआ है छोटे बाबू, आप नहीं आइएगा अर्थी को कंधा देने? मैं नहीं आऊंगा तो क्या होगा? जो वसीयत लिखवा सकता है वो कंधा भी दे सकता है। पिताजी ने मुझे बेटा माना ही नहीं। छोटे बाबू आप जाइए दीवान जी। पंद्रह दिन हो गए, कब तक देखेंगे माँ जी की ये हालत?
लेकिन मैं करूं क्या पद्मा? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप खुद जाइए विक्रम को लेने, मेरा मन कहता है आप जाएंगे तो वो जरूर आएगा। जमींदार साहब पधारिए, आज इस बाजार की किस्मत जागी है, साथ संभालो उस्ताद, तबले पे थाप दो। और तुम चंदा नाचो गाओ, जमींदार साहब के लिए शराब लाओ। देख क्या रहे हो? जमींदार साहब इंतजार कर रहे हैं, महफिल को गर्म होने दो। जमींदार साहब इस वक्त आपे में नहीं। मेरे लिए क्या हुक्म है जमींदार साहब? मैं जमींदार नहीं हूं विक्रम, तुम्हारा भाई हूं, और भाई के नाते तुमसे ये पूछने आया हूं, घर में इतनी बड़ी मौत हो गई, तुम चार कदम चल के आ ना सके? मौत तुम्हारे घर में हुई थी, मेरे घर में नहीं। वो मेरा घर कब से हो गया? जब से जायदाद लिखवा ली तुमने अपने नाम। मैंने नहीं लिखवाई विक्रम, पिताजी ने लिखी है मेरे नाम, ये तो तुम भी जानते हो। खूब जानता हूं, और तुम्हारी फरमा बरदारी की दाद भी देता हूं। तुम जायदाद लिखवाना नहीं चाहते थे, पिताजी ने जबरदस्ती लिख दी। बड़ा जुल्म किया है उन्होंने। तुम्हारे तरकश में कोई और तीर बच रहा हो तो वो भी चला लो विक्रम, लेकिन घर चलो मेरे साथ। मैं उस घर में गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं। गुलाम बन के नहीं विक्रम, मालिक बन के। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बेशक न चलो विक्रम, अपने मरे हुए पिता का ही कुछ लिहाज करो, अपनी रोती हुई बिलखती हुई माँ का ही ख्याल करो कुछ, जिसकी एक आंख पति के लिए खून रोती है, दूसरी आंख बेटे के लिए। माँ से कह देना विक्रम मर गया। ऐसा ना कहो विक्रम, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाता हूँ और तुम्हारे पाँव में माथा रगड़ कर विनती करता हूँ, घर चलो विक्रम, घर चलो। घर तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर चल सकता हूँ, मेरे जाने से पहले वो औरत कहीं चली जाए जिसे तुम बीवी कहते हो। शर्त तुमने सुन ली है, अगर मंजूर है तो मैं भी सर के बल चलता हूँ, मंजूर नहीं तो वो रहा दरवाजा सामने। देख नहीं रही हो? माँ से क्या कहेंगे? क्या कहूंगा उनसे, कैसे कहूंगा? उनका बेटा शराब में डूबा हुआ कोठे पे बैठा अपने पिता का शोक मना रहा है, कहता मैं एक ही शर्त पे घर आ सकता हूं। कौन सी शर्त पर? ये ना पूछो पद्मा, ये ना पूछो। मैं पूछ के रहूंगी, आप एक दर्द लेके आए हैं वहां से, आपकी पत्नी हूं मैं, आपका दर्द बांटना मेरा अधिकार है। ये दर्द विक्रम ने नहीं, तुमने दिया है मुझे। मैंने? हाँ तुमने, मेरे दिमाग की अंधेरी खाइयों में दिए किसने जलाए, ये रोशनी किसने दी है मुझे, ये सोचने की शक्ति, ये अच्छे बुरे की पहचान, छीन लो ये रोशनी, बुझा दो ये दिए, इससे तो मैं पागल अच्छा था।
जागे हुए दिमाग से वो अंधे कुएं अच्छे थे, उनमें रह के ये दर्द तो नहीं होता था, ये सब देखने का दर्द, देख के सोचने का दर्द। दुनिया की कोई चाबुक ऐसी मार नहीं देती जैसी अटल देती। रघु, रघु, तुम्हारी माँ जा रही है। कहाँ? घर छोड़ के जा रही है, कहती है मैं विक्रम के बिना इस घर में नहीं रह सकती। माँ, 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 मैं जा रही हूँ रघु, ये लोग घर की चाबी, मैं क्या करूंगी इनको। तुम नहीं जाओ माँ, तुम नहीं जाओ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हमें छोड़ के नहीं जाओ। मैं यहाँ रह भी कैसे सकती हूँ अपने बेटे के बगैर। माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। लेकिन ये भी कैसे हूँ, मैं तो इस महल में रहूं और विक्रम दर बदर की ठोकरे खाता फिरे। मैं उसे लेने गया था माँ, लेकिन उसने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। इनकार करने की कोई वजह तो होगी, आप बताते क्यों नहीं। पद्मा, जब तक तुम इस घर में मौजूद हो वो इस घर के चौखट में पांव नहीं रखेगा। बस तो आप ना जाइए माँ जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पद्मा, ठीक ही तो है, माँ और बेटों के बीच एक पराई लड़की क्यों आए, एक मामूली सी बहू की खातिर इतनी बड़ी सास अपना घर क्यों छोड़े। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा कैसी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे साथ? और नहीं तो क्या, अग्नि के साथ फेरे लेके मैंने तुम्हें वचन दिया था, तुम्हारा सुख मेरा सुख होगा, तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। माँ, हम दोनों को आशीर्वाद दो। मुझे मालूम नहीं था रघु, तुम जाते जाते भी मेरे माथे पर कलंक लगा कर जाओगे। ओ काम क्रोध और लोभ का मारा, जगत न आया रास हो, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। चलती आई है सतयुग की ये रीत, कल युग तक चलती आई है सतयुग की ये रीत, सब कुछ हार चुके जब अपना तब हो राम की जीत। युग बदले पर बदल न पाया अब तक ये इतिहास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। अपने महल दो महल जंगल जंगल फिरना, छोड़ के अपने महल दो महल जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर दुख संकट में घिरना, है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास।
पहचाना, राम हर एक जुग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना, तपते तपते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास, काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, तब तब पाया वनवास। आपने तो जिम्मेदारी छोड़ दी, हम लोगों ने तो आपको नहीं छोड़ा है, आप मेरे घर चलकर रहिए। मेरे घर जमींदार साहब? मैं अब जमींदार नहीं हूँ, मैं आप में से एक, आपके साथ रहूंगा और आपके साथ काम करूंगा, एक मामूली किसान की तरह। मामूली किसान सर, एक मामूली वैद्य का भी कुछ हक है, मेरा घर कोई जागीरदार की हवेली या राजा का महल नहीं है, लेकिन जो कुछ है बेटी तुम्हारा। बापू आप इनसे पूछिए। चलो पद्मा वहीं चले। सोचकर हंसी आ रही है, तुम्हें ले गया था डोली में और ला रहा हूं पैदल। माँ माँ तू कहाँ है? माँ 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 मा? मैं आ गया हूँ माँ। माँ मैं आ गया हूँ माँ, तुम्हारे चरणों की सेवा करने, अपने पिछले पापों की क्षमा। बेटा उफ़ माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं दिन रात तुम्हारे ही नाम की माला करता था। मैं भी तो यही किया करती थी बेटा, अब तो यही रहेगा ना? हाँ माँ। कहीं नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं माँ, लोग सच कहते हैं जब तक आदमी बाहर ना जाए उसे घर की कीमत मालूम नहीं होती। अब तो इतना कर बेटा, जमींदारी का सारा इंतजाम अपने हाथ ले ले। माँ ये तूने क्या कह दिया, मुझे आकाश से पाताल में गिरा दिया, तू समझती है मैं जायदाद के लिए यहाँ आया हूँ? बेटा ये दिन कितने दिनों के बाद आया है विक्रम। अच्छा अच्छा माँ, अच्छा। सुना तुमने विक्रम ने क्या कहा, वो तुम्हारी जायदाद के लिए घर नहीं आया, मेरे प्यार के लिए आया है। सुना, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ प्यार तुम्हें उसी बेटे से मिलेगा जिससे तुमने हमेशा नफरत की है और जिसे तुम जिगर का टुकड़ा मानती हो, वही तुम्हारे जिगर पर बर्छे चलाएगा। नहीं ये कभी नहीं होगा। आइए आइए। आइए नहीं उठिए, जब मालिक आते हैं तो नौकर उठ के सलाम करते हैं। तिजोरी खोलिए। तिजोरी? हाँ हाँ तिजोरी, अब तो किसी की इजाजत नहीं लेनी है आपको, जिसका हुक्म चाहिए वही हुक्म दे रहा है, तिजोरी खोलिए। कितना रुपया चाहिए? जितना है इस तिजोरी में। आतिशबाजी का सामान चंदा, इन्हें जला और घर में रोशनी करो। फिर वही बात, जब होता है दिल में नस्तर चुभोने चले आते हो, जब होता है रुपयों के बंडल ले आते हो मुझे खरीदने के लिए। खरीदने के लिए नहीं चंदा, तुम्हें बताने के लिए मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। कभी ये भी सोचा है मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? एक चुटकी भर सिंदूर मांग में भरने के लिए, एक सरासी जगह अपने मालिक के कदमों में। चंदा चंदा मैं बस पड़ गए फिर उसी चक्कर में, आपको यहाँ आना मंजूर है लेकिन मुझे वहाँ ले जाना मंजूर नहीं। ले जाऊंगा चंदा, जरूर ले जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त दो मुझे, थोड़ी सी मोहलत।
पद्मा, बड़ी जल्दी चली आई आज। सारे चाव पे पानी फेर दिया ना तुमने। मैं समझी तुम कहोगे पद्मा इतनी देर से आई हो आज। किसान बेचारे को क्या मालूम कब सुबह होती है और कब शाम होती है। किसान को ये तो मालूम होना चाहिए कब दोपहर होती है, जब सूरज सर पे आ जाए और चांद सामने। हटो जी, किसान से अब कवि बनने लगे। और तुम भी तो नई दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। छोड़ो ना। पहले हाथ धो लो। हाथों पे ये बड़े बड़े छाले। इन्हें देख के उठना करो पद्मा, ये मेरी आजादी के निशान है। हाथ के छाले पीठ पे पड़े चाबुक के निशानों से कहीं अच्छे। इनका दर्द होता है पर वैसा नहीं। उसी उदासी का तो इंतजाम करने गया था, सोचा कुछ तुम्हारा दिल लग जाएगा कुछ अपना। चंदा आओ ना, आओ चंदा। चंदा चंदा चरण छुओ माँ के। कौन है बेटा? ये तुम्हारी बहू है माँ। मेरी बहू शादी के बिना? माँ शादी हो गई। शादी हो गई और मुझे मालूम तक नहीं। माँ तू समझती क्यों नहीं, ये नया जमाना है माँ, रफ्तार का जमाना, आजकल हर काम जल्दी से होता है। सोचो कुछ नहीं माँ, बस इतना सोचो कि तुमने अपनी बड़ी बहू का तो बड़ी शान से स्वागत किया था। उसमें ऐसे कौन से चांद तारे तके थे जो तुम्हारी छोटी बहू में नहीं है। माँ आरती का सामान मंगवाओ और जल्दी से आरती उतारे उसकी। अरे सुखिया जी। माँ जी। अरे कहाँ है तुम? अरे आओ, आ जल्दी आओ, जाओ आरती का सामान लाओ जल्दी। चलो 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 जाओ। जी तो बता बेटे, कौन से जमींदार की बेटी है ये? वो यही है माँ, अभी बुलाता हूँ। आइए 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 ना। ये सब तुम्हारे नए रिश्तेदार हैं माँ, वो है लड़की का मामा। आदाब। और वो बाप है लड़की का। नमस्ते जी। और माँ ये है तुम्हारी समधन। नमस्ते करो। मैं नमस्ते नहीं करूंगी, मैं तो अपनी समधन रानी से मिलनी करूंगी। अरे माँ जी आरती का सामान तैयार। मालूम ही नहीं हुआ मैं कब सो गया। बहुत थक गए थे ना? फिर भी आंख कैसे लग गई? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये तश्तरी में क्या रखा है? पान तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम तो कहती थी विद्यार्थियों के लिए पान खाना मना है। विद्यार्थियों के लिए मना है, तुम अब विद्यार्थी नहीं है। पहले बार खिले हैं।
सहारा, मेरी जिंदगी को रास्ता गया, पाके सहारा दूर था मैं अपने पास आ गया, दुनिया सारी लागे न्यारी, ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं, तुम भी हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले की मर्जी के मुताबिक रहना होगा, इनकी हर एक बात सुनना होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। होगा तो यही होगा, वरना इन लोगों को तकलीफ करनी पड़ेगी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। ठीक कहा था तुमने, जिसे तुम जिगर का टुकड़ा मानती हो वही तुम्हारे जिगर पर परचम चलाएगा। दीवान जी अंधेर हो गया। क्या हुआ सुखिया? छोटे बाबू ने एक मामूली औरत के लिए अपनी माँ को घर से निकाल दिया। क्या क्या है? छोटे मालिक, आपने माँ जी को घर से निकाल दिया? हाँ, माँ मेरी बीवी को बहू मानने के लिए तैयार नहीं, मैं उसे माँ मानने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको मालिक मानने के लिए तैयार नहीं। संभालिए अपनी जागीर, अपनी चाबियां। सरकार चाबियां। सरकार, आज से आप हमारे नए दीवान हैं, जागीर संभालिए और लगान वसूल कीजिए। जीजा जी। दीवान जी, होश में आइए, होश में आइए। तुम लोग कौन हो? मैं आपकी जोरू का भाई। अबे चला जोरू का भाई। बड़ा आया जोरू का भाई। अरे वो दिन भूल गए थे, पान की दुकान पे बैठ के मखिया मारते थे। फिर वही बात जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। हजार मरतबा तुमसे कहा कि पान की दुकान की बात मत दोहराया करो। चलो पान लगाओ, आज से हम दीवान हैं और करेंगे वसूल लगान। जमींदार विक्रम सिंह जी का। जमींदार विक्रम सिंह जी ने हुक्म दिया है कि उनकी सारी प्रजा, आज ही सारा लगान उनके नए दीवान दीवान बहादुर पनवाड़ी राय जी की सेवा में हाजिर कर दे। हमारे पुराने दीवान जी क्या हुए? तुम्हारे पुराने दीवान जी पुराने जमाने के साथ चले गए। पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी रियायतें भूल जाओ। आज तुम लोगों को सबको लगान मुझे देना होगा। ले लो लगान। विशंबर का
कालीचरण, ये मारपीट वाली बात अच्छी नहीं। लगान हमको देना ही होगा। हम बिक्रम सिंह को जमींदार नहीं मानते। अरे रघुवीर सिंह को तो जमींदार मानते हो। उन्हें लगान दे दो। नहीं, मैं ये लगान नहीं ले सकता। ये तो जमींदार का हक है और जमींदार मैं नहीं बिक्रम सिंह। हम तो आप ही को जमींदार मानते हैं, पहले आपके पिताजी को मानते थे। मेरे लिए इस रुपये को छूना भी पाप है। बेटा पाप तो ये है कि ये रुपया शराब के ठेकों पर जाए या किसी गाने वाली की कोठे पर। ये सोचना मेरा काम नहीं पिताजी। बेटी कुछ तुम ही समझाओ रघुवीर सिंह को। मैं क्या समझाऊं बाबा, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, ये लोग आपको जमींदार मानते हैं और आप विक्रम को। ये लगान ले जाकर आप उन्हें दे दीजिए। दुहाई है जमींदार साहब की दुहाई है। दादाजी मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी क्या हालत हुई है। अरे इतनी पिटाई हुई है कि हड्डियों का पता नहीं, फसलियों का पता नहीं। ये कैसे हुआ दीवान जी, आप तो लगान वसूल करने गए थे। ये लगान ही तो वसूल हुआ है दामाद जी, आपकी दीवानगिरी से तो मेरी पान की दुकान ही अच्छी है। जमींदार विक्रम सिंह के कारिंदों पे हाथ उठाने की हिम्मत किसको हुई? आप तो इस हवेली की चार दीवारी ही में जमींदार हैं सरकार, जहाँ वहाँ तो मामला ही कुछ और है। क्या मतलब? सरकार किसान लोग लगान तो पहले ही दे चुके हैं बड़े जमींदार को। लादू को? जी हाँ, आपको वहाँ कौन जानता है। मैं अभी जाता हूँ श्यामपुर और बताता हूँ लादू को जमींदार कौन है। तुम्हारा खून जाया नहीं जाएगा, इस खून से नोट उगेंगे। अभी हमारा विक्रम आएगा और रुपयों के ढेर लगा देगा हमारे सामने। अरे वो क्या ढेर लगाएगा चंदा की माँ, गांव वाले उसे ढेर कर देंगे और साथ साथ हमें भी। मेरी मान तो हम लोग जान बचा कर यहाँ से भाग निकले, क्या ख्याल है? अच्छा क्यों ना सोना चांदी और माल भी अपने साथ ले चले। देखो तिजोरी की चाबियां मेरे पास है। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। अच्छा चलो। नमक हरामो, मालिक घर में नहीं तो तुमने सोचा कि तुम सब कुछ लूट कर ले जाओगे? अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो रख दो सब कुछ यहाँ। अरे जा, 3 साल में ऐसी थाप दूं कि सुखिया से दुखिया बन जाएगा। ये बात है? बिल्कुल। जीजा जी, सुखिया साहब आप खामखा खफा हो रहे हैं, हम लोग तो अपना ही सामान ले जा रहे हैं। हाँ हाँ, पांडन। पांडन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हारा खानदान। गंगू, गंगू, पकड़ इन बदमाशों को और डाल दो खाने में। जीते रहा, जीते रहा। ये लगान किसानों ने मुझे दिया है, लेकिन ये है माँ का और विक्रम का। माँ को पहुँचा दो। तुम खुद ही ले जाना, आजकल यहीं तो रहती है बेचारी मेरे पास। क्यों? बेटे ने निकाल दिया है घर से। रघु, माँ। बेटा ये तुम्हें क्या हो गया माँ? कुछ नहीं बेटा, इसलिए तो कैसे करने का पल मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। विक्रम ने मुझे निकाल दिया, मुझे क्षमा करो बेटा। क्या कर रही हो माँ? तुम्हारे पिताजी ने सच कहा था, जिसे तुम कलेजे का टुकड़ा समझ रही हो वही तुम्हारे कलेजे पर बर्छे चलाएगा। वो बर्छे चलाए हैं उसने, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा। माँ जी, माँ जी। अरे भैया, अरे भैया, आप भैया छोटे सरकार श्यामपुर गए हैं आपसे झगड़ा करने, बंदूक के हाथ में। बंदूक? रघु से कहो बाहर आए।
वो घर में नहीं है, माँ जी से मिलने गए हैं। ये कहानी किसी और से कहना, उससे कहो जाके जमींदार बीवियों के पलों के पीछे छुप के अपनी जान नहीं बचाते। तुम नहीं बदले विक्रम, अब भी उसी तरह हो, बदतमीज और बेलगाम। तुम कमजोरी जानती हो विक्रम सिंह की, वो औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अच्छा होगा तुम अंदर चली जाओ और भेजो उसे बाहर जो चूड़ियां पहन के अंदर बैठा है। विक्रम, मैं यहां हूं और देख लो मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं है। अपनी तरफ से बड़ी उदारता दिखाई थी तुमने, बड़ा त्याग किया था, घर बार छोड़ दिया, जागीर जायदाद मेरे नाम लिख दी। अब खुला तुम्हारे ढोल का पोल, जमीन मुझे दे आए और लगान खुद वसूल करने लगे। मैं पूछता हूँ लगान के बगैर जमींदारी क्या होती है, जमीन क्या होती है? मैं बताती हूँ जमीन क्या होती है। पद्मा, तुम हट जाओ, विक्रम को जो कुछ कहना है कहने दो। तुम तो जानते हो रघु, मैं जो भी कहता हूँ इससे कहता हूँ, यही है मेरी भाषा। ये भाषा मैं भी बोल सकता हूँ विक्रम, लेकिन ये इंसानों की भाषा नहीं है। अब बताओ मुझे वो लगान कहाँ है? मैं बताती हूँ विक्रम, मैं बताती हूँ। ओ, अब तुम ही इनकी तरफ हो गई, तुम पर भी डोरे डाल दिए हैं इस जादूगरनी ने। दौलत की लालच ने तुम्हें ऐसा अंधा बना दिया है, आज भाई और भाभी के साथ तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान। मैं सिर्फ दो चीजें पहचानता हूँ माँ, जमींदारी और लगान, और ये पहचान मुझे किसी और से नहीं मिली, तुमसे मिली है, अपनी माँ से। अब तुम्हारी माँ ही तुमसे कहती है कि उस लगान पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारे पिता जिसे जमींदार बना गए हैं वही जमींदार है, सब कुछ उसी का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम झूठ कह रही हो माँ, सच्चाई अभी यह बंदूक कहेगी। हट जाओ माँ, चला जाए यहाँ से। माँ, चला जाए यहाँ से, छोड़ दो माँ, छोड़ दो। पापी, आज आज तुमने अपने माँ पे हाथ उठाया, अपनी माँ पे जिसने महीनों तुम्हें अपने कोख में रखा और बरसों तुम्हें अपना खून पिलाकर बड़ा किया, माँ के प्यार का तूने ये हक चुकाया, ये खून माँ के खून के छींटे इन रुपयों के लिए उड़ा है, इन रुपयों के लिए, ये लो और चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। जाने से पहले एक प्रायश्चित तुझे करना है और एक प्रायश्चित मुझे, हम दोनों के पाप सिर्फ इसी तरह धुल सकते हैं। माँ और बेटे के बीच में आज तुम बता, आप माँ है बेटे की तो मैं बहू हूं इस घर की। अच्छा घर संवारने का तरीका निकाला है सबने। माँ जी, पाप का प्रायश्चित पाप से नहीं होता, सारे फैसले बंदूकों से नहीं किए जाते। विक्रम ने भूल की है तो आप क्या कर रही हैं? माँ तो धरती की तरह होती है, बेटे हल चलाते हैं उसकी छाती पर, कुदाले बरसाते हैं उसके दिल पर, वो फिर भी उन्हें जीवन प्रदान करती है। बेटे पाप भी करें तो माँ उनके पाप अपने नाम लिखवा लेती है। बहू, माँ नहीं नहीं, मैं अपने पाप अपनी माँ के नाम नहीं लिखवाऊंगा, नहीं मैं भाभी से क्षमा मांगूंगा। मैं अगर भैया के पाँव पे भी गिरूं तो मेरा प्रायश्चित नहीं होगा, मेरे पाप तो सिर्फ एक ही चीज से धुल सकते हैं, मेरे खून से। विक्रम, खून से नहीं विक्रम, तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसुओं से, हिमालय से निकली हुई गंगा दिल से निकली हुई गंगा से ज्यादा पवित्र नहीं हो सकती। उस गंगा में दुनिया भर के पाप बह सकते हैं, तो ये गंगा भी तुम्हारे पाप धो सकती है। भैया विक्रम, भैया विक्रम, भैया माँ, माँ मुझे क्षमा करिए, क्षमा मुझसे नहीं बहुरानी से माँ।
मैंने तो सिर्फ तुझे जन्म दिया था और आज अपने हाथों से तेरी जान भी लेने वाली। बहू रानी ने तो तुझे जान भी लौटाई, तेरी आंखें भी और तेरी अक्ल भी। मेरे दान से उसका दान बहुत बड़ा है, मेरे स्थान से उसका स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। विक्रम, विक्रम भैया, विक्रम भैया, भाभी, विक्रम, भाभी, भाभी, तुम्हें एक दान और देना होगा। कहो विक्रम। तुम्हें और भैया को मेरे साथ घर चलना होगा। विक्रम। हाँ भाभी, भैया पिताजी की गद्दी पर बैठेंगे और मैं इनके चरणों में। और बहू रानी को अपनी आंखों।